संसद में आज फिर हंगामा हुआ और आज भी बिना कामकाज के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन आज लोकसभा में हंगामा विपक्ष ने नहीं किया। अभी तक विपक्ष नोटबंदी पर वोटिंग कराने की मांग पर अड़ा था, लेकिन आज जब विपक्ष गतिरोध खत्म कर नोटबंदी पर बहस के लिए तैयार हुआ तो सरकार रिवर्स मोड पर आ गई। संसद के कामकाज में व्यवधान पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तल्ख टिप्पणी का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार इस बात पर अड़ गए कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए पहले माफी मांगे। अनंत कुमार ने कहा कि विपक्ष की ओर से पिछले 16 दिनों से व्यवधान डाला जा रहा है, सदन में कामकाज को बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल सदन के कामकाज में व्यवधान डाल रहे हैं। इस तरह से व्यवधान डालने के लिए विपक्ष देश की जनता से माफी मांगे, फिर क्या था। कुमार की इस मांग के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के कारण सदन की बैठक दो बार स्थगित कर दी गई और बाद में सदन की कार्यवाही को 14 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया। 16 दिनों तक संसद ठप रही, लेकिन जब विपक्ष बहस के लिए तैयार हुआ तो सरकार के मंत्री अपनी मांग पर अड़ गए। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई सरकार बहस चाहती भी है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बाकी बचे दो दिनों में सदन में काम हो पाएगा या फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।